आप सबको मालूम है, पूरा देश कोरोना संक्रमण से ग्रसित है। हमारा राज्य भी अछूता नहीं है, और हमारे झारखंड प्रदेश में निरंतर इस संक्रमण पर नजर सरकार रखी हुई है। पूरा प्रशासन मुस्तैद है, सभी जिलों से लेकर पूरे राज्य के हर कोने में आज हमारे संक्रमित लोगों की सेवा में दिन रात पूरा सरकारी महकमा लगा हुआ है। और इस संक्रमण में सर्वप्रथम लोगों को ऑक्सीजन युक्त बेड की नितांत आवश्यकता पड़ रही थी। इसको ध्यान में रखकर हमने कुछ दिन पहले कोविड सर्किट का शुभारंभ किया। उससे बड़े पैमाने पर हमारे संक्रमित लोगों को, जिनको ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता होती थी, जानकारी के अभाव में उनको ये पता नहीं चलता था कि बेड कहाँ पर है, ऑक्सीजन युक्त बेड कहाँ है, तो उनको उस जगह पर पहुंचाकर राहत दिया जा रहा था। हम समझते हैं अभी सबसे पहले इस संक्रमण में जो जरूरतें हैं वो आम व्यक्ति को ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता होती है, उसके बाद दवाइयों की आवश्यकता होती है। इस तरीके की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने एक और पहल प्रारंभ किया है। ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से आए दिन अस्पतालों में खत्म हो जाने से अफरा तफरी मचती रही है, आज हम लोगों ने एक संजीवनी वाहन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। और इस संजीवनी वाहन में अभी पहले चरण में हम रांची से शुरू कर रहे हैं। इन ट्रकों में ऑक्सीजन लदे रहेंगे और जिस हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी आएगी, तत्काल ये ट्रक वहां रश करेंगे और उस अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे। और इसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी हम लोगों ने लगाने का निर्णय लिया है, ताकि किसी भी कीमत पे किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। अभी रांची जिला से ये हम लोगों ने प्रारंभ किया है। आने वाले समय में ये तीन प्रमुख शहर जहां संक्रमितों की संख्या अधिक है, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, जमशेदपुर और धनबाद में भी ये संजीवनी वाहन का शुभारंभ किया जाएगा, जहां 24 घंटा 24x7 ये ट्रकों में ऑक्सीजन लदे रहेंगे। ड्राइवर इनके हमेशा उसमें डिपोटेड रहेंगे। रात के 12 बजे हो या 1 बजे हो या दिन के 2 बजे हो, कहीं पर भी किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो, ये सुनिश्चित करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और मुझे लगता है इससे बहुत जो अस्पतालों में एक चिंता का विषय बना रहता था कि कब ऑक्सीजन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मरीजों की तादाद की संख्या जब बढ़ जाती है, कभी आईसीयू और वेंटिलेटर में ज्यादा संख्या में लोग होते हैं, तो ऑक्सीजन की खपत अचानक तेजी से बढ़ जाने की वजह से ये स्थिति बनती है। आज इनको ध्यान में रखकर आज इस संजीवनी वाहन के माध्यम से सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का
और इमरजेंसी ऑक्सीजन तुरंत उनके अस्पताल में पहुंचे, ये सरकार ने सुनिश्चित किया है। धन्यवाद।